सुप्रभात बच्चों, मैं रीता वर्मा, आधुनिक हिंदी शिक्षिका। आज मैं कक्षा वन के हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ाऊंगी। पाठ है भुवन का डमरू। इसमें हमें हर्षऊ तथा दीर्घऊ की मात्राएं यूज की गई है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे सुबह हुई, सुबह में हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है और ह में भी हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है। सूरज निकल आया, तू सूरज निकल आया, इसमें सूरज में हमारा दीर्घऊ की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद है गुलाब, गुलाब खिल गया, ग में हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से है यहाँ रघु, सुन, रघु घ में हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है और सुन में भी स में हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है। चल टहल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। यहाँ मुलायम दूब पर चल, मुलायम में म में जो है हमारा हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है और दूब, दूब में यानी द में हमारा दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो इसके बाद है सुराही उठाकर जल ला, सुराही में यानी सु स में हमारा हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। इसके बाद है भुवन, बूढ़ा आदमी था, भुवन में यानी भ में जो है हमारा हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है और बूढ़ा में यानी ब में दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है। इसके बाद है वह डमरू बजा रहा था, डमरू में यानी यहाँ र जो लिखा हुआ है इसमें इसके मध्य में यानी र के मध्य में हमारा दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है। अब ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग हर्षऊ और दीर्घऊ की मात्रा को समझिए, बार बार इस पाठ को पढ़िए और मैं